रखा हुआ है? मैजिक, ये मैजिक है, बहुत बढ़िया मैजिक है, आप लोग सोच नहीं सकते हो क्या मैजिक लेके आई हूं मैं। तो इस मैजिक को देखने के लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सही है, क्योंकि मैं बहुत गजब का मैजिक लेके आई हूँ। और ऐसा मैजिक है कि आप मेरे गुड़हल में देख रहे हैं, ये मेरे गुड़हल में देख रहे हैं, क्या है मेरे गुड़हल में? पत्तियां दिख रही हैं आपको, दिख रही होंगी, खैर ऐसा भी जादू नहीं है, लेकिन फूल देखिए, पत्ती जितनी है उससे ही बराबर में मात्रा में फूल लगे हैं। मतलब एक दिन में कम से कम 10-10, 20-20 कलियां रोज खिलना और रोज इतने सारे फूल निकलना, सोच सकते हैं आप क्यों, क्या रीजन है जो मेरे गुड़हल में इतने मोटे मोटे, देख लीजिए कितनी मोटी मोटी कलियां खिली हैं, ढेर सारी हैं, इतने गजब के फूल देख सकते हैं, वो भी अक्टूबर के मंथ में ऐसे छकाछक फूल का, और इतनी कलियां मोटी मोटी देख लीजिए, कितनी मोटी मोटी कलियां भी आ रही हैं, आपके बहुत काम आने वाली है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में खूबसूरत सी टिप्स जानने के लिए। मेरी एक डंगाल में 20-20 कलियां खिलती हैं और प्रॉपर समझ लीजिए 10-10 गुड़हल में प्रॉपर तोड़ती हूँ, और हर 4 दिन, 6 दिन में, 8 दिन में आपके पास वीडियो लेके आती ही आती हूँ। तो झूठ तो नहीं लाती होंगी क्योंकि हर रोज आपके पास वीडियो लाती हूँ। देसी गुड़हल भी इस समय आपको कलियां, अभी आपको जूम करके दिखाऊंगी, मैं खड़े होकर दिखाऊंगी तब बताती हूँ कितनी कलियां हैं। देसी गुड़हल है, ये हाइब्रिड गुड़हल है, और ये मेरा रेड कलर का गुड़हल है, और ये समझ लीजिए इतना मुंदर गुड़हल है ये। तो ये मेरे पास 3 गुड़हल ये है, चौथा गुड़हल मेरे पास वो रखा हुआ है, व्हाइट कलर का गुड़हल है, वो अभी छोटा बच्चा है क्योंकि मैंने उसको कटिंग से लगाया है, तो इसलिए अभी उसमें फ्लावर नहीं आए हैं। लेकिन देखभाल करती हूँ जो मेरे गुड़हल ऐसे लदे रहते हैं, आधे से ज्यादा व्यूवर्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे गुड़हल में भी इतने फूल आए, और कितने लोग बोलते हैं कि मैम हमारे गुड़हल में फूल आते हैं, हम लोग देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमारे मोटे मोटे गुड़हल आ गए। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से गुड़हल ये, अब जैसे ये कली इतनी मोटी खिली है और उसके बाद एकदम से आपके आंखों के सामने गिर जाए, ये होता है, अक्सर होता है, हमारे गुड़हल में भी होता है। तो ये कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, कभी आयरन की कमी हो जाती है, कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कभी मिली बग का अटैक हो जाता है। ये सब गुड़हल की बीमारियां होती हैं, मेन मेन गुड़हल की बीमारियां होती हैं। कभी कभार हमारी मिट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है, तो पोटेशियम की कमी हो जाती है, अगर आप पोटेशियम की भरपूर मात्रा में इसको नहीं दोगे प्रॉपर समय पर, कैल्शियम प्रॉपर समय पर नहीं दोगे, मैग्नीशियम प्रॉपर समय पर नहीं दोगे, होमिक एसिड एसिटिक समय पर नहीं दोगे, तो आपके गुड़हल में एक भी फूल नहीं आएगा, धीमे धीमे डैमेज। चलिए अब कहते हैं, चलिए हमने इतनी बता दिया आपको, जानकारी दे दी हमने, ये सब आपको दे दिया, ठीक है, गुड़हल में सब कुछ दे दिया, और उसके बाद धूप नहीं दी, समझ लीजिए मेन पॉइंट होता है धूप। धूप नहीं दी तो आप सब खा डाल दीजिए, जितना मैंने बताया, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, आप ये सब दे रहे हैं और आपके घर में धूप नहीं आ रही है, जड़ में, मेन जड़ में धूप अगर नहीं आ रही है तो आपके गुड़हल में फूल आएंगे, कोशिश करेंगे खिलने की, लेकिन समय से पहले फिर वो गिर जाएंगे, क्योंकि उसको जो खुराक विटामिन डी की मिलनी है, प्रॉपर जो धूप उसे मिलनी है, वो चीज उसमें नहीं मिल पा रही है, तो आपके गुड़हल में फूल नहीं आएंगे। तो यहाँ तो हमने ये सब बात कर ली, अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी का क्या कर रहते हैं, सब लोग सोचते हैं अरे हमारा गुड़हल लगता है सूख रहा है, अरे पत्तियां पीली हो रही, भाई देख लीजिए ये पत्तियां पीली हो रही हैं, ये देखिए इस तरह से पत्तियां पीली, गुड़हल में ढेर सारे फूल आ जाएंगे, तो क्या यहाँ पर भी गलत हो गया आपका मेथड, क्योंकि ये गुड़हल की पत्तियां नेचुरल हैं, और अगर आपके गुड़हल में प्रॉपर पत्तियां ऐसे ही पीली हो रही हैं, मतलब कि आपने पानी भर दिया है उसमें, हर रोज आप उसमें पानी ज्यादा डाल रहे हो, तो पानी की मात्रा भी आपको नियम अनुसार देखनी है, कैसे पानी डालना है, क्या तरीका होता है, तो वो सब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मिट्टी जब तक आपकी बिल्कुल ड्रेनेस ना हो जाए, ये देखिए मेरी मिट्टी में आप देख लीजिए ड्रेनेस है और चटकी हुई है, चटकी हुई मेरी मिट्टी है, और यहाँ से देखिए कितनी ड्राई हो रखी है, ये देखिए भुरभुरी मिट्टी है पूरी, और चटक चटक के हो रही है, मतलब कि मैंने 2-3 दिन से इसको पानी नहीं दिया। तो गुड़हल में कम से कम 3 दिन तक पानी मत दीजिए, जब तक गुड़हल आपका चटक ना जाए, नीचे से जमीन इसकी चटक चटक ना लगे, आपको तब तक पानी नहीं डालना है। कितनी भीषण, क्योंकि अब गर्मी का टाइम खत्म हो गया है धीमे धीमे से, तो इतनी गर्मी हमारे गुड़हल में नहीं हो रही है कि आपको लगे प्रॉपर पानी डालना ही डालना है। इस बात का सबसे ज्यादा ये गिनती चुनती चीजें हैं जो अगर आपने ध्यान पे रख ली तो आपके 100% जैसे मेरे गुड़हल भर भर के आ रहे हैं, आपके भी गुड़हल आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बात करना मेन टॉपिक पे, ये प्रूनिंग। इस समय जो हम लोग का टाइम चल रहा है, इस समय कभी भी आपको ऊपर से बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी है अपने गुड़हल की। अगर आपने ऊपर गुड़हल की प्रूनिंग करी
तो क्या होगा पता है आपको, धीमे धीमे आपकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि जो ऊपर से हिस्सा निकल रहा है आपने उसी हिस्सा को काट दिया, तो धीमे से जड़ अपने आप ही रोने लगेगी और धीमे धीमे जड़ गलने लगेगी। मतलब कि रोने का मतलब है जड़ धीमे धीमे से खराब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर की क्षमता सबसे ज्यादा ताकत होती है, ऊपर की ही शक्ति खत्म कर दी हमने, तो जड़ अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। तो आपको प्रूनिंग इस समय बिल्कुल नहीं करनी है, आपको हल्की सी पिंचिंग करनी है। पिंचिंग कौन सी करनी है, ये कलियां आ गई, ये कलियां आ गई। अगर आप इस डंगाल में देख रहे हो सारी कलियां, जो हमारी 10 15 20 कलियां इकट्ठी आती हैं, अगर आपने देखा हमारी सारी कलियां इकट्ठी खत्म हो गई, तो आप ऊपर से सिर्फ 1 इंच, मुश्किल से 1 इंच या 2 इंच, जहां तक आपकी कलियां बन रही हैं, बस उतनी आपको पिंचिंग कर देनी है। बस उतनी पिंचिंग कर देंगे, यहाँ पे आपका काम हो गया। फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर इसको कम से कम 20 दिन में एक हैवी फीडर देना है। हैवी फीडर कौन सा देना है ये आपके ऊपर है, आपके गुड़हल में किस टाइप से आपको लग रहा है कि हमारे पत्तियां ज्यादा पीली पड़ रही हैं, ज्यादा हमारी पत्तियां मुड़ रही हैं। अगर आपको लगे पीलापन, हमारा पीलापन पत्तियों में आ रहा है, मतलब आयरन की कमी हो रही है, तो आप इसको आयरन की खुराक दीजिए। आयरन की खुराक आपको कैसे देनी है, आपको एक कढ़ाई में लोहा भिगोना है, जो आपके जंग लगा हुआ लोहा होता है उसको आप भिगो दीजिए और पानी डाल दीजिए, ये आपकी आयरन की कमी हो गई। आयरन की कमी अगर आपको लगे हमारी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, मुड़ रही हैं, पत्तियां फूल बन रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके धीमे धीमे कैल्शियम की कमी भी हो रही है, तो आपको कैल्शियम की कमी के लिए चौक के 2 टुकड़े लेने हैं और अपने देखिए मेरी मट्टी में हमेशा ही गड़े रहते हैं, और ये इस तरह से लोहे का औजार मैंने डाला हुआ है, ये भी आयरन की कमी दूर करता है। और ये देखिए मेरा चौक, ये देखिए इस तरह से चौक, आपको 3-4 चौक के टुकड़े समझ लीजिए हर समय परमानेंट गाड़ने। ये देखिए मेरे इसमें इस तरह के औजार मेरे आप हर गमले में देखेंगे, इस तरह के औजार मेरे आपको हर गमले में दिखेंगे, क्योंकि ये मेरा लोहे का काम करता है, आयरन डस्ट बनाता है और पूरी आयरन की कमी दूर करता है। तो ये मेरी आयरन हो गया, कैल्शियम हो गई। अब हम इसमें बात कर लेते हैं मेन, जो हमारे फूल हैवी हैवी मोटे मोटे आ रहे हैं, इतने हैवी क्वालिटी के फूल आ रहे हैं, तो ये हमारे क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसको हैवी फीडर में क्या खिलाती हूँ। तो सबसे हैवी फीडर हमारा इसका होता है पोटेशियम, मतलब कि हमारा केले का पाउडर, सबसे ज्यादा केले का पाउडर होता है। आलू के छिक्कल में पोटेशियम भरपूर होती है, तो 15 दिन में आप आलू के छिक्कल का पाउडर बना के अगर रखते हो, तो पाउडर बना के इसको हर समय हर 15 दिन में 2 चम्मच डालिए। और अगर आप पाउडर नहीं बनाते हो केले का, तो आप उसको केले के छिक्कल रोज, आपके आलू के छिक्कल आपके घर में रोज निकलते हैं, उसको 4 दिन भिगोने हैं। काहे में, समझ गए, ये मटके का क्या राज है, यही राज है इसमें। मैंने 4 दिन पहले मटके में आलू के छिक्कल और केले के छिक्कल भिगो रखे हैं, ये देखिए, ये मैंने इसमें 4 दिन से मेरे भीगे रखे हैं, 4 दिन हो गए हैं, आज मुझे आपको दिखाने के लिए तैयारी करके रखती हूँ। तो मेरे इसमें केले के छिक्कल हैं और इसमें मेरे आलू के छिक्कल हैं, ये देखिए, ये केले के छिक्कल पड़े हैं, पूरे अच्छे से गल गए हैं, 4 दिन में अच्छे से गल जाते हैं, ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हलवा हो जाते हैं। तो ये केले का छिक्कल और आलू के छिक्कल का आपको इसमें अच्छे से तैयार कर लेना है अपना फर्टिलाइजर, ये देखिए आलू के छिक्कल है, ये प्रॉपर बहुत अच्छे से गल गए हैं, क्योंकि 4 दिन कंप्लीट हो गए हैं, ये देखिए। तो ये हमको पूरे इस तरह से बना के रखना है पानी और खूब अच्छे से हिला देना है इसको। 4 दिन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने मटके में रखा है न्यू स्टाइल दिखाने के लिए, थोड़ा सा आप किसी में भी रख सकते हो। मटके में रखने का मतलब ये होता है कि इसमें हमारा पानी खूब अच्छे से हमारा जो फर्टिलाइजर बनता है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, ऊपर नीचे कहीं से भी कीड़े नहीं आते हैं, ना कोई भुनगा आता है, क्योंकि हमारा इसमें प्रॉपर ये ऐसे ढका रहता है, एयर टाइट रहता है मटका। फिर इसको आपको छान लेना है, इसको छान लीजिए, किसी भी बर्तन में छान सकते हैं इसको, इस तरह से अपना छान लीजिए। और आपका 4 दिन से गुड़हल में पानी ना पड़ा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 बार का जब आपका गुड़हल में पानी नहीं पड़ा होगा तभी आप इसमें पानी देंगे, नहीं तो आपका ये पानी गुड़हल जबरदस्ती पानी देंगे तो आपका गुड़हल खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 दिन का पानी ये हो गया मेरा, 4 दिन का गुड़हल का पानी देख लीजिए कैसा है, इस तरह से पूरा ये मैंने आलू का छिक्कल और केले का दोनों डाला है। आप एक चीज भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों चीज डालनी, जो आपके पास हो वो डाल लीजिएगा, मैंने दोनों चीज डाल दी। अब मैंने यहाँ पे इतना सोचिए, इसका दुगना पानी मैंने रखा हुआ है और इसमें प्योर नहीं डालेंगे, नहीं तो ये हमारा तेज हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी फिर आप इसको घड़े में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये आपने इतना डाल दिया और इसके बाद आपको आपके गमले में गुड़ाई जरूर होनी चाहिए, गुड़ाई कम से कम 15 दिन में 10 दिन भर एक बार गुड़ाई बहुत जरूरी होती है। गुड़ाई के बिना आपका कोई काम अधूरा हो जाता है, कोई काम आपकी खाद नहीं करेगी काम, ठीक है। आपको केले का छिक्कल का पाउडर भी आप डाल सकते हो 15-20 दिन में,
आप आलू की छिकल का पाउडर भी डाल सकते हो 15-20 दिन में। और मैंने यहाँ पे मेन फर्टिलाइजर का काम कर दिया है, तो फर्टिलाइजर मेरे घड़े में था, बहुत अच्छे से तंदुरुस्त तैयार हो गया है। और इस तरह से हम लोग को ये ठंडे ठंडे में डालना है, या तो इवनिंग में डालिए या बिल्कुल मॉर्निंग में 5 या 6 बजे डाल दीजिए। ये मैंने पूरा अपना गुड़हल की पूरी प्रॉपर A to Z ABCD आपको बता दी है कि मेरे गुड़हल में इतने सारे चकाचक फूल कैसे आ रहे हैं। अब ये देख लीजिए, ये भी मेरे देख लीजिए, नहीं तो आप लोग सोचते हैं कि एक ही चीज बता दीजिए। ये मैंने कटिंग कर दी थी बहुत अच्छे से इसकी, समझ लीजिए हर महीने में इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब समय खत्म हो गया कटिंग का, क्योंकि इस समय हमारा पूरा अक्टूबर का मंथ आ गया है और धीमे धीमे अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा, तो अब कटिंग का काम बिल्कुल टोटल खत्म, कोई कटिंग नहीं होगी, नहीं तो हमारा धीमे धीमे पौधा खराब हो जाएगा। और इसमें कलियां आप गिन पा रहे हैं क्या? देख लीजिए एक डंगाल में, देख लीजिए ऊपर से भी, यहां से भी ढेरों कलियां आ रही हैं, और ये सब आंखों के सामने हैं। देख लीजिए पूरी नीचे से डंगाले से कलियां भर भर के आ रही हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक ही फूल दिखाए हैं भर भर के, इसमें भी है, लेकिन मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, पिंक कलर के फूल तोड़ चुकी हूँ। जैसे जैसे कटिंग हो जाती है उससे चौगने फूल मात्रा में, देख लीजिए एक डंगाल आपने काटी तो आपके 10-10 डंगाले बाहर आ जाती है। देख लीजिए एक डंगाल, दो डंगाल, तीन डंगाल, चार डंगाल, पांच डंगाल, छह डंगाल, तो मैंने यहाँ से काटा था, यहाँ से काटने में उसके 8-8, 10-10 डंगाले फूट जाती हैं। कटिंग के ये प्रॉफिट होते हैं हमारे, लेकिन अब समझ गए ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पंचिंग, आपका फूल जैसे निकलेगा यहाँ से पंचिंग कर देंगे। जो मेथड मैंने इसका बताया वही मेथड मेरा इसका होगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ लग गई हो, कुछ इधर का उधर हो गया हो, तो कंप्लेन कमेंट में जरूर कीजिएगा, और जो समझ में बात ना आए जरूर पूछिएगा, 100% आपका जवाब तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आपने इधर मुझसे पूछा मैं तुरंत देती हूँ, क्योंकि काम ही यही है पूरे टाइम फोन देखना और लोगों के कमेंट पढ़ना। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ जो आप तक समझ में आए, फिर आती हूँ कुछ अच्छी वीडियो लेके। बाय बाय।